जयसवाल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बहुत कम प्लेयर्स ने बैक टू बैक 100 किए, बैक टू बैक नहीं, एक सीरीज में 200 किए हुए हैं। आई मीन ये इनकी सीरीज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी फाइंड है। और मैं समझता हूँ कि इनकी टेक्निक इस तरह की है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, और उसके साथ सरफराज जिनको बड़ी मुश्किल से मौका मिला, उन्होंने आके अपनी जो है काबिलियत दिखाई, जो मौका था उसको ग्रैब किया दोनों हाथों से, दोनों इनिंग्स में 50 किया। और सरवराज का वो जो 172 रन का स्टैंड है ना जनाब, 26 अशारिया एक ओवर में, यकीन जानिए जब मैंने वो देखा है ना तो मुझे खौफ वो याद आ गया जो मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था ना, अबे ये 20-25 ओवर में लुटिया डबो देंगे, इंडियन बॉलर्स की बहुत मारेंगे, इनको निकाल लेना, अगर 25 ओवर के अंदर गेम खत्म नहीं किया तो ये भजा देंगे तुम्हारी। यार देख लीजिए क्या इंडिया ने अपनी बॉलिंग से गेम को अंदर लिया और किसी ना किसी तरह इंग्लैंड को पैक किया, वहां पर 319 पे पैक किया था। तो उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग, असल में आपने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा इतनी प्यारी खेलता, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता, दिल खुश होता है इसको देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास बहुत टाइमिंग है और इसको कोई किसी भी बॉल के ऊपर ये हिट कर सकता होता है। और मैंने यकीन करें मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी जिसको कहते हैं ना कामयाबी हासिल करेगा इतनी जल्दी। मुझे था ये T20 का शानदार प्लेयर है, ये ODI के अंदर परफॉर्मेंसेस करके दिखा देगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि एक अलग फॉर्मेट है इसको उसने इतने 4 चांद लगा दिए। इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल किया है जयसवाल ने, तो आप सोचे कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जयसवाल की बात, एक पानी पूरे बेचने वाले ने इंग्लैंड के धागे खोल दिए, यकीन करें तबाही मचा दी है क्रिकेट में एक बहुत कम वक्त में अपना। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जब से भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 434 रन से हराया है, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में ही चर्चा कर रही है। उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम का सिस्टम बहुत ही अच्छा है और इसलिए यंग प्लेयरों को आसानी होती है इंटरनेशनल लेवल पर आकर ट्रांसफॉर्म होने के लिए और जमकर विकेट्स और रन बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो इंटरनेशनल मैचेस में सर्वाइव कर सके। वहीं पर उन्होंने यशस्वी जयसवाल की भी तारीफ करते हुए कहा कि यशस्वी जयसवाल आने वाले दिनों में सबसे बड़े सुपरस्टार बनेंगे। सबको लग रहा था कि ये T20 और वनडे के प्लेयर है, पर जिस तरह से उन्होंने अपने पहले ही 7 मैचों में 2 डबल सेंचुरी लगा दी और बता दिया कि वो हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 होने के लिए तैयार है और जो भी फॉर्मेट उनको दिया जाएगा उस फॉर्मेट में वो परफॉर्म करेंगे, और वैसे ही उन्होंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी गई उन सभी में उन्होंने परफॉर्म किया। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर जयसवाल ऐसे ही पाकिस्तान में होते तो वो कब का पाकिस्तान के लिए खेल जाते, पर उन्होंने अंडर 19, अंडर 23 और उसके बाद रणजी ट्रॉफी में खेला और वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, तब जाकर उनको इंटरनेशनल की कैप मिली। पर पाकिस्तान में ये सब देखने को नहीं मिलता, अगर कोई भी प्लेयर 1-2 मैचेस अच्छा खेलता है तो उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल मैचेस में खिलाया जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साइम अयूब ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आए वो पूरी तरह फ्लॉप हुए और अब PCB ने उनको कहा कि अगर उनको पाकिस्तान टीम में वापस आना है तो उनको डोमेस्टिक में जाकर रन बनाने होंगे, तब जाकर उनको पाकिस्तान टीम में एंट्री मिलेगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। बहुत कम प्लेयर्स ने बैक टू बैक 100 किए, बैक टू बैक नहीं, एक सीरीज में 200 किए हुए हैं। आई मीन ये इनकी सीरीज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी फाइंड है। और मैं समझता हूँ कि इनकी टेक्निक इस तरह की है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, और उसके साथ सरफराज जिनको बड़ी मुश्किल से मौका मिला, उन्होंने आके अपनी जो है काबिलियत दिखाई, जो मौका था उसको ग्रैब किया दोनों हाथों से, दोनों इनिंग्स में 50 किया। और इंग्लैंड जो है एक दफ़ा फिर इस सीरीज़ में मुश्किल में है, एक मैच जीतने के बाद
आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की टीम स्ट्रांगली कम बैक करेगी और वो कम बैक कर रही है, और इंग्लैंड की टीम के पास जो है वो जवाब नहीं है, और वही वो एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, बैस बॉल और फ्लैट विकटों पे हो जाता है कि कई दफ़ा आपको जो है वो थोड़ा सा मूव अवे करना पड़ता है वो बैस बॉल से, ये जो भी आपकी एग्रेसिव जो आपने अप्रोच रखी हुई है, कई दफ़ा आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है अच्छे रिजल्ट के लिए। और अच्छा रिजल्ट सिर्फ जीतना ही नहीं होता टेस्ट मैचेस में, जब आप मुश्किल में फंसे होते हो तो ड्रॉ करना भी जो है मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव रिजल्ट है, और जब बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हो ऑन अ डिमांडिंग पिच टू सेव द मैच। उसकी बैटिंग की बात की जाए तो ये इतने अरसे से पल्ले थे, तुम कभी तो तुम 100 मारोगे, कभी तो तुम 50 लगाओगे, ठीक है फ्रूटफुली ये कि इंडिया के फेवर में चला गया, मगर यहाँ पर अगर जायसवाल और सरवराज का वो जो 172 रन का स्टैंड है ना जनाब, 26,001 ओवर में यकीन जानिए, जब मैंने वो देखा है ना तो मुझे खौफ वो याद आ गया जो मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था ना, अबे ये 20-25 ओवर में लुटिया डबो देंगे इंडियन बॉलर्स की, बहुत मारेंगे इनको, निकाल लेना अगर 25 ओवर के अंदर गेम खत्म नहीं किया तो ये भजा देंगे तुम्हारी। यार देख लीजिए क्या इंडिया ने अपनी बॉलिंग से गेम को अंदर लिया और किसी ना किसी तरह इंग्लैंड को पैक किया, वहां पर 319 पे पैक किया था। तो उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग, असल में आपने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बेसबॉल का सहारा चाहिए, हमें किसी के सहारा नहीं चाहिए, हमारे पास पूरी क्रिकेट है भाई, हम पूरे अंदाज से खेलेंगे। स्टार्ट लिया सरफराज ने, जहां से उसने वो बुद्ध को गिराया, सबसे पहले जो एक माइंडसेट आपके जहन पे बैठ गया था कि यार ये बहुत तेज खेलते हैं, ये हारने से नहीं डरते, ये यूं हैं, ये यूं हैं, ये बेसबॉल है, इनके पास यूं है, ये करके आता है, वो करके आता है, सारा ये करके वो करके निकाला, इनके दोनों बच्चों ने निकाल दिया आपको गेम। ये जायसवाल एक बात और है रोहित शर्मा का, मैं आपको बताऊं ये जो पार्टनरशिप आपको लगी ना सेकंड इनिंग में, लगी तो आपको पहली इनिंग में भी थी वो जायसवाल जडेजा और सरफराज की, मगर ये दूसरी इनिंग की पार्टनरशिप है जहां पर लीड आपकी 7 से ऊपर चली गई, इंग्लैंड की 7 ही रुक गई थी। अबे घंटा वो क्या इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का मारता है तो कवर का भी छक्का मार देता है, और इतनी प्यारी शॉट खेलता है, इतनी प्यारी खेलता है, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता है, दिल खुश होता है इसको देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास बहुत टाइमिंग है, और इसको कोई किसी भी बॉल के ऊपर ये हिट कर सकता होता है। और मैंने यकीन करें मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी जिसको कहते हैं ना कामयाबी हासिल करेगा इतनी जल्दी। मुझे था ये T20 का शानदार प्लेयर है, ये ODI के अंदर परफॉर्मेंसेस करके दिखा देगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि एक अलग फॉर्मेट है इसको उसने इतने 4 लगा दिए, अपनी नेचुरल गेम खेलता है और क्या शानदार किस्म की गेम खेलता है, मजा आ गया देखने का। मतलब कि कोई 200 मारना खाला जी का वाड़ा नहीं है, बार बार 200 मार देना। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बाबर आजम ने कितने टेस्ट मैचेस खेलनी है, बाबर आजम में कितने 200 हैं? मैं बाबर का सपोर्ट करता हूं, हमेशा करता हूं, लेकिन इस चीज के अंदर मैं बिल्कुल सच बात बोलूंगा, बाबर ने कितने 200 हैं, कितने टेस्ट मैचेस खेल लिए, घर के अंदर भी खेले हैं बाहर भी खेले हैं ना, जायसवाल के 200 बता दो 60 टेस्ट मैचेस के अंदर। इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को ना राजकोट के ग्राउंड के अंदर ना गड्ढे खोद के ना अंदर दफना ही दिया, तबाह कर दिया भाई। इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल किया है जायसवाल ने, तो आप सोचे कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जायसवाल की बात, एक पानी पूरे बेचने वाले ने इंग्लैंड के धागे खोल दिए, यकीन करें तबाही मचा दी है क्रिकेट में, एक बहुत कम वक्त में अपना नाम बना लिया है। इंग्लैंड वालों ने कहा था वहाँ के इंडिया वालों को बेसबॉल सिखाएंगे, यहाँ तो इंडिया के बच्चों ने इनको बेसबॉल सिखा दिया है। तो बेन स्टोक्स जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ये इंस्टाग्राम की आईडी देख रहा था बेन स्टोक्स की, अच्छा। तो लिखा होता बेन स्टोक्स एरा, मतलब बेन स्टोक का दौर है, भाई जान कहाँ है तेरा दौर यार, यहाँ तो जायसवाल का दौर चल रहा है, जायसवाल एरा होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बताऊँ डर क्या होता है, जो इस टाइम इंग्लैंड वालों को इंडिया से लग रहा है ये डर होता है।